चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी आपको देते हैं पूरा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई इस मामले को लेकर बता रहे आपको कि जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीएम के करीबियों के शेल कंपनी चलाने और सीएम को खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में अंतरिम आदेश जो है निर्देश जो है हाईकोर्ट का उसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच में मामले की सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित यानी कि यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और सुधांशु धूलिया की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। सरकार का पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार तक का समय मांगा। उन्होंने ये भी कहा कि शिवशंकर शर्मा की हाईकोर्ट में दर्ज याचिका मेंटेनेबल नहीं है। इसी तरह की एक और याचिका जो राय इंद्रनील सिन्हा ने दायर की थी उसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। पहले ही अदालत को बताया गया कि ईडी की तरफ से भी पूरक एफिडेविट दायर किया गया है जिसकी कॉपी सरकार को नहीं मिली है। ट्रिपल बेंच ने याचिका स्वीकार कर ली और अब मंगलवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। एडवोकेट राजीव कुमार जी हैं सर, आज सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हुई जो क्या क्या हुआ? देखिए कल इन लोगों ने फाइल किया था एसएलपी, तो हम लोगों ने भी उसमें कैविएट फाइल कर दिया था इसलिए कि इनके साथ जो है हम लोगों को भी सुनना जाए। आज जो है सुबह में 10:30 बजे सिब्बल साहब ने मेंशन किया था तो इसको 11:45 बजे रखा गया था, लेकिन चूंकि समय नहीं था, माननीय न्यायालय ने कहा कि समय नहीं है, इसलिए इसको 24 तारीख को इसको वेकेशन बेंच में फिक्स कर दिया गया उसकी सुनवाई के लिए, चूंकि बाकी कोई मेरिट पे बात आज नहीं हुई है। ये था कि इसको चूंकि टाइम नहीं था कोर्ट के सामने, कोर्ट ने कहा कि इसको हम लोग बेंच में रखते हैं वेकेशन बेंच। जो ऑर्डर चैलेंज में है तो ऑर्डर तो अपलोड है, जिस ऑर्डर को इन लोगों ने चैलेंज किया है वो अपलोड है, वो झारखंड हाईकोर्ट के वेबसाइट में, इसलिए कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं है। और सर आप लोगों का क्या था, आप लोग क्या चाहते थे? हम लोग चाह रहे हैं कि इसको एक कोई इफेक्टिव ऑर्डर तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पास नहीं किया, अभी इसकी सुनवाई चल ही रही है। दूसरी तरफ जो है माननीय सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा ही कि हमारा इन्वेस्टिगेशन ईडी में चल रहा है, तो कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि जिससे किसी को प्रेजुडिस होने की बात है। उनका कहना है कि ये मेंटेनेबल नहीं है, तो उस पर भी माननीय न्यायालय ने उनको सुना है और अभी जो है उसमें सुनवाई चल ही रही है, तब जो है उन्होंने एक एसएलपी फाइल किया और चूंकि उनका अधिकार है तो ये मामला पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। कंटेंट्स है जो हम लोगों ने दिया है वो सैकड़ों करोड़ का है और अभी जो रेड हुआ है वो मात्र एक सेक्रेटरी के ऊपर हुआ है। जब देखा जाए तो इनके आधा दर्जन सेक्रेटरी हैं जो दोनों हाथ से लूट रहे हैं। हमला सब्जुडी से हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन शशिक के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।